हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, पार्ट नंबर 3 ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, ये चैप्टर हमारा चल रहा था जहां पे हमने पार्ट 1 में एक्सरसाइज 6 से देखी थी, वहां पे हमने देखा था स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके, ये पिछली वाली जो वीडियो थी वहां पे मैंने थोड़ी 20 मिनट की बनाई थी, मुझे थोड़ा काम आ गया था। ओके, वहां पे मैंने प्रॉपर्टीज बनाई थी स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज। अब यहां पे हम वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ सम है, ठीक है, जहां से हमारा बाकी रह गया था, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6B को कवर कर लेंगे। ठीक है, यहां पे ये जो एग्जांपल है क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखो, इतने बड़े बड़े नंबर दिए आपको, इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पूछा गया। क्या पूछा गया? यूनिट डिजिट। सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। अगर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये उसका यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट है। अब कोई 2 डिजिट वाला समझ लो, मैं लेता हूं 5 का स्क्वायर ले लिया, उसका कितना होता है 25, तो ये उसका यूनिट डिजिट है। क्या ये उसका यूनिट डिजिट है? तो इधर मेरे को सब में इतने भी सम दिए, मुझे उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना, मतलब एकदम पीछे वाला नंबर फाइंड करना है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हमें पूरे पूरे स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पीछे वाला नंबर उनको बता देना है। तो कैसे बताएं? अब देखो, इतने बड़े बड़े नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करने तो बैठोगे नहीं, आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, 81 के पीछे, ये जो 81 है इसके पीछे कौन सा नंबर दिया है? 1, है ना। इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ये जितने भी है, मैंने ये थोड़ा पीपीटी में लोचा हो गया है, सब मिक्स हो गया है सब, है ना। इसको मैंने अलग अलग करने को बोला था लेकिन किए नहीं। ओके, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो 1 का स्क्वायर अगर 1 है, मतलब उसकी यूनिट डिजिट पे 1 है, तो 81 के स्क्वायर में भी पीछे यहाँ पे 1 ही होगा। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो हम चेक कर लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि 81 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का यूनिट डिजिट अगर मेरे को ढूंढना हो तो मुझे इसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेने का, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, मतलब 81 के स्क्वायर में भी जो भी आंसर आ रहा है उसके पीछे उसका यूनिट डिजिट होगा 1। अब देखो, मैंने वो टेबल बनाया था उसमें 81 का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, दिख रहा है 81 कितना है? 6561 आया इसके पीछे 1, इसके पीछे 1 आया यूनिट डिजिट पे, बस हमें ऐसे तो फाइंड करना है इसको, ठीक है। ये हमें मल्टीप्लाई करके करने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ आ रहा है? अगर हमने 1 का स्क्वायर निकाल लिया जो कि आता है 1, तो उसके पीछे भी 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन अगर समझ लो, यहां पे हमें 85 दिया हो, क्या दिया हो? 85, तो उसका स्क्वायर कितना होता है? देखो, 7225, उसके पीछे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। तो 80 मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है, उसमें हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा ना, इसका इसका ये 25 में पूरा नहीं गिनना है, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वही 85 के स्क्वायर में भी होगा, जो कि 7225। इसके पीछे 5 आया, इसके पीछे 5 आया, तो इसके पीछे भी 5 भी आएगा। आपको समझ आ रहा है ना? ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या है? ये भी एक प्रॉपर्टी है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमने यहां पे देखा कि अगर 1 का स्क्वायर 1 है, ओके, अगर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 81 का जो यूनिट डिजिट होगा, हमें क्या पूछा? हमें ये तो पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा इनके स्क्वायर का। क्या पूछा है? यूनिट डिजिट क्या होगा। 81 का स्क्वायर हमने देखा था कितना? 6561 था, है ना। तो इसके स्क्वायर का हमें यूनिट डिजिट तो पूछा गया। अगर हम ये 3 डिजिट फाइंड नहीं करेंगे तो भी हमारा काम तो हो रहा है ना, हमारा काम तो हो रहा है। ओके, हमें तो पूरा ढूंढने को बोला ही नहीं गया है, तो हम लिख देंगे ऐसे करके और इसका यूनिट डिजिट लिख देंगे, यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। 81 का स्क्वायर 1 नहीं है, उसका यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर कितना है? 81 का स्क्वायर होता है 6561, तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो है 1, उसका आंसर मैंने यहां पे लिखा है। आपको समझ आ रहा है?
चलो अब धीरे धीरे एग्जाम्पल करेंगे और समझ आएगा। यहाँ पे क्या है 272, मतलब हमें 2 का स्क्वायर फाइंड करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, मतलब जो 272 होगा उसके पीछे भी 4 ही होगा। ओके, यूनिट डिजिट ऑफ 272 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसकी यूनिट डिजिट में भी 4 ही होगा। देखो एक बार मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, 272 मल्टीप्लाई बाय 272 के बाय आपका मैं को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। ओके देखो एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। देखो इसके पीछे 4 आया है ना, इसके पीछे 4, ये के इस 2 का स्क्वायर 4 होता है तो उसके पीछे भी 4 ही आएगा, उसके जो यार लास्ट डिजिट होगी उधर भी 4 ही आएगा है ना। देखो एक बार मैं आप भी कैलकुलेटर में चेक कर लो एक बार, 7 7 9 84 एकदम सही है। ओके समझ आया आपको, चलो बड़े आगे हम। देखो इसके 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 272 के स्क्वायर में पीछे वाला डिजिट 4 ही होगा, एकदम आसान सम है। ओके देखो अब यहाँ पे पूछा है 9, सबसे पहला छेला डिजिट कौन सा है 9 लास्ट डिजिट, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, एक बार दिख रहा है ना, ठीक है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 799 का यूनिट डिजिट, अरे यूनिट डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 81 नहीं होगा 1 होगा, क्या होगा 1, ये जो 1 है वो होगा इसका आंसर यूनिट डिजिट पे। हमें तो यूनिट डिजिट बुलाया था, मैं 81 लिख दूंगा तो उसमें टेंस, ये टेंस प्लेस है, ये कौन से प्लेस है टेंस प्लेस डिजिट है, टेंस डिजिट वो टेंस प्लेस पे आ जाओ देखो। ओके तो यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट हमें तो क्या पूछा है यूनिट डिजिट ही पूछा है तो हम वही बताएंगे। ओके अब इधर किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 9 आएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 3853 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर लिखना है आपको। ओके बस इतना इजी है सब में। ओके 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो यहाँ पे उसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा पीछे एकदम लास्ट में 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, आपको समझ आ गया क्या आएगा 6, 16 नहीं आएगा, हमें यूनिट डिजिट पूछा गया, हमें टेंस प्लेस डिजिट के साथ टेंस प्लेस डिजिट हमें नहीं पूछा गया है। ओके अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये वाला इंक्लूड होगा यूनिट डिजिट मतलब 9, ये तो टेंस प्लेस डिजिट है ये हमें पूछा ही नहीं, हमें तो यूनिट डिजिट बोला गया है, तो यूनिट डिजिट ऑफ 26387 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो जो भी स्क्वायर होगा इसका उसके यूनिट डिजिट में नहीं होगा, हमें मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट ढूंढना ही नहीं है। ओके एकदम इजी सम है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, मेरे को सारा सम करवाना है वो करवाऊंगा मैं, यूनिट डिजिट ऑफ 5269 8 का स्क्वायर मतलब 4, इसके यूनिट डिजिट में ये होगा। देखो 0 इज लिख दे 0 होगा, मैं आपको आप खुद से लिख लेना, ठीक है एक बार एक्सप्लेन तो कर देता हूं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये वाला उसके पीछे इंक्लूड होगा, तो आपका इसमें भी लिख देना, ये क्या है 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो ये उसके पीछे आपको लिख लेना है, आपको समझ में आया। ओके चलो अब क्या है आगे देखो, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप्लेट्स आर पाइथागोरियन। देखो हमने जो पाइथागोरियन है वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी
पाइथागोरियन वाली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ओके, समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि ये जो दिख रहा है आपको 6, 8 और 10 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं? क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं? देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या है ना, जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 तो 25 इक्वल टू 25, तो ऐसा इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या कि 3, 4 और 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। आपको समझ आया, ये है बेसिकली। ओके, अब इसको हम करेंगे कैसे, है ना, इसको आप करेंगे कैसे? इसमें मैंने जगह छोड़ने को बोली थी, नहीं छोड़ी थी, ये कोई बात नहीं। देखो सबसे पहला डिजिट है 6, क्या है 6, तो सबसे हमने देखा था कि जो सबसे पहला डिजिट, सॉरी गाइस, सबसे पहला डिजिट जो होता है उसके लिए 2m फार्मूला होता है, फिर होता है n2 - 1, फिर होता है m2 + 1। ये तीन फार्मूला है, ये पहले डिजिट के लिए, ये दूसरे डिजिट के लिए और ये तीसरे डिजिट के लिए। तो पहले डिजिट हमारी क्या है, 2m = 6। तो अगर मेरे को m की वैल्यू चाहिए तो 2m = 6 लिख सकता हूं, क्योंकि 2m मतलब कौन सी डिजिट, पहले डिजिट, तो ये दोनों सेम हुई, ऑब्वियसली सेम हुई, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब जो ये जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा 3, तो m = मेरा आएगा 3। ओके, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब हमें ढूंढना है m2 - 1, क्या ढूंढना है, m2 - 1 जो कि कितना होगा, ऐसे लिख देता हूं, 3 का स्क्वायर मतलब -1 मतलब 9 - 1 = 8। ओके, ठीक है, हो गया। अब ये बाकी था डिस्टरबेंस आ गया, m2 + 1 मतलब 3 का स्क्वायर + 1, m की वैल्यू हमारी 3 आई थी। अब इधर हो जाएगा 9 + 1 = 10। ओके, तो ये हमारी वैल्यू से मैच हो रहा है। ओके, ये m की वैल्यू आपको नहीं देनी है, आपकी पहली वैल्यू तो 6 है, क्या है 6, तो उससे ये ठीक है, पहली वैल्यू आपको दूसरी दो वैल्यू मैच करनी है, 8 आ गया हमारा, 10 आ गया हमारा। इसका मतलब क्या, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। सो 6, 8 और 10 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, लिख देना। अब ये जो है 2m = 16, पहली वैल्यू इज इक्वल टू 2m, तो 2m = 16, तो m = 16/2 जो कि हो जाएगा मेरा 8, तो m = 8। दूसरी वैल्यू क्या होगी मेरी गाइस, m2 - 1, 8² - 1 मतलब 64 - 1 = 63। ओके, ये हो गया मेरा m2 - 1। अब m2 + 1 क्या, m2 + 1 मतलब 8² + 1 = 64 + 1 = 65। तो क्या मेरी वैल्यू मैच हो रही है, देखो 63 मैच हो रही है, 65 मैच हो रही है, इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। अब यहाँ पे 2m = 24, तो m = 24/2 ये गया, ये गया, m = 12। ओके, तो m2 - 1 मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 1, 144 - 1 = 143, है ना। चलो अब m2 + 1 भी ढूंढ लेते हैं, वैसे आंसर तो नहीं आ रहा है, इधर 144 इधर 143 आ रहा है, इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बन रहा, फिर भी हमें ढूंढना पड़ेगा 12 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 144 + 1 = 145। ओके, ये जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बना रहे थे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, सो या फिर हियर लिख देना 24, 144 और 145 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके गाइस, हो गया। चलो अब हमारी एक्सरसाइज 6B में हम पढ़ेंगे, है ना, सॉरी गाइस, यहाँ पे एक ये 143 है, क्या है 143, यहाँ पे एक मिस्टेक है,
और ये जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, यहां पे 144 था इसलिए मैच नहीं हो रहा था, लेकिन ये 143 ही है, यहां पे 143 ही है। ओके, इसके लिए सॉरी। अब हम बढ़ते हैं हमारी 6B वाली एक्सरसाइज पे। देखो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स भी है, ठीक है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स इन, देखो हमने क्या देखा था कि स्क्वायर नंबर कभी भी उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा, है ना। ये हमने देखा था कि कोई भी स्क्वायर नंबर हो, है ना, कोई भी स्क्वायर नंबर हो उसके पीछे एंड्स मतलब वो कभी भी 2, 3, 7, 8 उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे नहीं होगा, उसके यूनिट्स प्लेस पे नहीं होगा। आपको समझ आया? तो इसका आंसर होगा 2, 3, 7, 8 आर नॉट इन यूनिट प्लेस। ओके, है ना। अ स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स इन 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस, समझ आया आपको? ओके, ये प्रॉपर्टी हमने देखा था। द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 359 विल बी, अभी हम यूनिट डिजिट फाइंड कर गया है ना, अगर 359 है यहाँ पे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, तो उसके पीछे वाला डिजिट क्या है यूनिट डिजिट, तो 1, तो 359 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। ओके, समझ आया आपको? द यूनिट्स ऑफ, सॉरी यूनिट्स ऐसा है, ये एपोस्ट्रोफी है सर, द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 359 विल बी 1, क्या होगा 1। ओके, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज, देखो हमने देखा था प्रॉपर्टी में कि इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। देखो 1 एक ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर 1 ऑड नंबर आया, 2 एक इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन नंबर में आया, 3 एक ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर ऑड नंबर में आया। आपको समझ आया? ठीक है, तो यहां पे होगा ऑलवेज ऑड, जो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है वो ऑलवेज ऑड है। फिर 5 का स्क्वायर ले लूं मैं तो 25 आएगा, तो 5 एक ऑड है उसका स्क्वायर भी एक ऑड है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n, ये n है इन नहीं है, और नेक्स्ट n क्या, n नेचुरल इवन नंबर इज, यहां पे वो होगा n into n plus 1, है ना। आपकी बुक में यहाँ पे हमें देके रखा है, ये सॉरी मिटा दिया उसके लिए, ये रहा ठीक है, ये रहा के कोई भी सम ऑफ फर्स्ट n, n n मींस ये नंबर्स, कितने नंबर्स है, एक अगर एक दो नंबर है तो इसका, ठीक है, तो n मींस कोई नंबर ऑड नेचुरल नंबर्स, कैसा फॉर n ऑड नेचुरल नंबर, n मतलब कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। ओके, क्या बोलेंगे, तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, उसका क्या था सम, n स्क्वायर था, क्या था n स्क्वायर। अगर समझो ऑड नंबर, अगर मुझे 1 प्लस 3 करना है तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। तो ये 1 2 मैंने कितने नंबर यूज किए, 1 2, तो ये मेरे n कितना हो गया, 2 हो गया, और n ये सम कितना होता है, n का स्क्वायर होता है, मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 और 4 मेरे मैच हो रहा है। तो इसे बोलते, ये वो फार्मूला है कि आप कोई भी ऑड नंबर का, कोई भी ऑड नंबर के आप आराम से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। फिर इवन नंबर का भी एक फॉर्मूला है जो कि है n into n plus 1, ओके, तो उसका आंसर n into n plus 1 है। n into n plus 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 7, 8 are not at unit place, okay, समझ आ गया आपको। The numbers of a square up to 100, मतलब 100 के
अंदर, अब 200 मतलब 100 को मैंने गिनना है, 100 के अंदर कितने स्क्वायर नंबर्स आते हैं 100 के अंदर। तो देखो हमें 1 का स्क्वायर पता है जो कि है 1, 2 का स्क्वायर हमें पता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का 6, 6 का स्क्वायर 36, 49, 7 का, 8 का 64, फिर 9 आता है 81 और 10 मतलब 100। तो 100 को तो हमें गिनना नहीं है क्योंकि अप टू 100 बोला गया है, तो 100 को हम उसमें नहीं गिनेंगे। तो कितने नंबर्स आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9। इसका मतलब क्या कि 100 के अंदर अंदर टोटल 9 स्क्वायर नंबर है। ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर है, क्या है स्क्वायर नंबर। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, कितने हैं 9। ओके हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब हम बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स पे, ट्रू फॉल्स भी फटाफट हम देख लेते हैं। ओके द नंबर ऑफ अ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज ऑड, तो ये तो गलत बात है। अगर 1 का स्क्वायर 1 है, चलो मतलब क्या बोला है कि कितने एक ही, ये कितना नंबर है, एक ही नंबर है, मतलब एक n is equal to 1 है, तो ये ऑड है, ऐसा है ऑड है। लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं ये भी ऑड है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर, ओके अब मैं करूं किसका 4 का है ना, तो 4 का 16 आता है, मतलब 1 2 कितने नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए। तो 2 तो एक इवन नंबर है, तो डिजिट हमेशा ऑड में नहीं होगी, वो इवन में भी हो सकती है। आपको समझ आया मैंने क्या बोला, अगर 1 का स्क्वायर 1 है तो ये एक ही डिजिट है, मतलब ऑड में डिजिट है, कैसा ऑड 1, ये एक ही डिजिट है। ओके फिर अगर समझ लो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, मतलब 1 2 3, तो ये ऑड डिजिट, ये ऑड नंबर्स में है, किसमें है ऑड नंबर्स में, 1 2 3 3 मतलब ऑड नंबर। ओके तो ऐसा तो है, लेकिन अगर मैं करूं 1000 10 का, 10 का कितना होता है 100, सॉरी किसका करूं 12 का नहीं होगा, चलो हम 5 का ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो 1 2 कितने नंबर है, 2 नंबर, 2 नंबर कैसा है, एक इवन नंबर है, कैसा है इवन नंबर है, ये 1 2 ऐसे इवन, तो हमेशा वो ऑड नहीं होंगे, इसका मतलब ये फॉल्स है, क्या है फॉल्स, ये स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स। ओके द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज नॉट अ प्राइम, है ना, कि स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर मतलब सॉरी 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 तो एक प्राइम नंबर नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या है 9, देखो ये सब प्राइम नंबर है, ये सब क्या है प्राइम नंबर है, लेकिन उनके स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज नॉट अ प्राइम, ये प्राइम नंबर के स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं होते, तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। देखो इसका 25, तो 25 क्या है प्राइम थोड़ी है ना, वो तो 5 के टेबल में आता है, फिर 7 का स्क्वायर 49, 11 मतलब 121, तो ये सब प्राइम नंबर थोड़ी है। ओके अब नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, देखो हमने क्या बोला था कि अगर स्क्वायर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली माइनस का साइन हट जाएगा, है ना। अगर मेरे को -15 का स्क्वायर चाहिए तो -15 दो बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, तो 225 आंसर हमेशा प्लस में आएगा, वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि कोई भी नंबर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा बोला गया, तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। द डिफरेंस ऑफ अ टू स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, देखो अब कोई भी डिफरेंस मतलब समझ लो अगर हम 3 का और 5 का स्क्वायर लेते हैं, है ना, चलो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 में से अगर डिफरेंस क्या पूछा है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 में से अगर मैं 9 माइनस करूं, ये दोनों तो स्क्वायर नंबर है, क्या है ये दोनों तो स्क्वायर नंबर है, लेकिन अगर इनको माइनस करने पे जो डिजिट आती है क्या वो स्क्वायर नंबर है, माइनस करो देखो कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर नंबर नहीं है, है ना 7 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, है ना। अब 9000 इज अ स्क्वायर नंबर, तो देखो हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि कोई भी स्क्वायर नंबर के पीछे जीरोस हमेशा इवन नंबर में होंगे, इसमें होंगे इवन नंबर है, मतलब यहां पे
तीन जीरो है, कितने जीरो, एक दो तीन, तीन मतलब ऑड नंबर, तीन मतलब ऑड नंबर, इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। आपको समझ में आया क्या? चलो हम बढ़ते आगे, ठीक है। अब है हमारा थर्ड नंबर, ये हो गया, फिर इधर नेक्स्ट टू फॉल्स थ्री नंबर देखो क्या बोला है। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। The following numbers are not perfect square. Give reason. तो हम property हमने जो पढ़ी उसके हिसाब से हमें answer देना है। तो देखो क्या बोला है कि 7, पीछे क्या आ गया, 7 आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था, according to the property, है ना, एक बार मैं लिख रहा हूँ, according to the property, we know that a square number never ends with a digit, sorry, a digit, 2, 3, 7, 8, कि कोई भी square number कभी 2, 3, 7, 8 digit से end नहीं होगा। इसका मतलब क्या, ये एक perfect square नहीं है। वो तो हमें question में बोल के रखा है कि perfect square नहीं है, लेकिन हमें उसको reason देना था, हमने दे दिया। Okay, अब यहाँ पे भी हम लिख देंगे according to the property, ठीक है, मैंने आधा दस पहले लिख रहा, according to the property, we know that is a square number zeros are always in even numbers, है ना, zeros हमेशा even numbers में होंगे। यहाँ पे एक दो तीन जीरो आ रहा है, कितने आ रहे हैं, तीन, मतलब odd number हो गया, कितना हो गया, odd number। लेकिन हमने property में क्या पढ़ा था, कोई भी square number में zeros को लेकर square number ओके, समझ आ गया आपको, चलो आगे देखते हैं। सॉरी तुम्हारा बेटा, यहाँ पे देखो ये सेम है जो हमने लिखा था, अब मैं एक ही बार लिखूंगा। देखो यहाँ पे मैं पहले समझा था तीनों को, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है, अगर पीछे 3 आता है तो फिर वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, यहाँ पे पीछे अगर 8 आ रहा है तो वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है, यहाँ पे अगर 2 है तो वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैं फिर से वो वाला लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू द, इस बार सही से लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी द स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स with the digit 2, 3, 7 or 8, 2, 3, 7, 8 से वो digit कभी भी end नहीं हो, ये यही paragraph आपको तीनों में लिख देना है। okay, ये वाला exercise हमारा हो गया, नहीं इतना इतना हो गया ये वाला, ठीक है। आगे आप नया है कुछ देखते हैं क्या है, ये 3 नहीं है, 4 है, ये 4 नंबर आया। ओके, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो ये तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर 9 का स्क्वायर 81 है, उसके यूनिट डिजिट पे अगर 1 आता है तो 639 के स्क्वायर में भी उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट of 639 square is equal to 1, उसकी यूनिट डिजिट में भी 1 ही आएगा। सेम यहां पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो इसके यूनिट हमें यू टी दे देता है, यूनिट डिजिट में भी कितना आएगा, और 521 के स्क्वायर में 1 यूनिट डिजिट पे, है ना, यूनिट प्लेस पे। आपको समझ आ गया है ना, एकदम इजी इजी सम है, अभी हमारा एक्सरसाइज खत्म हुई होने ही आया है। ओके, 10 मिनट और, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो यूनिट डिजिट ऑफ 3, 2, 3, 8, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसके यूनिट डिजिट पे अगर 9 है तो इसके यूनिट डिजिट पे भी 9 ही होगा। अब 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे अगर 6 है, क्या है, 6, ये 6, तो इसके यूनिट डिजिट में भी, इसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी
सिक्स ही होगा। ओके एकदम इजी सम है। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम फिर भी बार लिख देंगे हम। सेवन का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ये जो 9 है वो क्या है उसका यूनिट डिजिट है, तो इसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट क्या होगा 29477 का स्क्वायर, मतलब उसके यूनिट में भी 9 ही होगा। ओके जैसे कि अगर 1 12 है इसका स्क्वायर, अगर मेरे को इसकी यूनिट जानना 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 है ना, हमें पता है कि अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए। चलो इसका देख लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इधर 4 आया तो इसके पीछे भी 4 ही आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर 25, तो इसके पीछे 5 आ रहा है तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5 ही आएगा 5। ओके ये वाला हमारा शायद हो गया, नहीं अभी 2 और बाकी। एट का स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसके यूनिट डिजिट में 4 है तो इसके यूनिट डिजिट में क्या होगा 6358 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके भगा रहा हूं क्योंकि 4 है थोड़ा है। 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो इसके पीछे भी क्या आएगा इसके स्क्वायर के पीछे भी क्या आएगा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ओके चलो नंबर मिला के हम बढ़ते हैं हमारे आगे। ओके ये हमने देखा था प्रॉपर्टी में है ना, फिल इन द ब्लैंक्स यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर नंबर। क्या बोला है कि अगर मैं कोई नंबर का डिफरेंस जानना हो, जैसे कि हमने किया था ना 3² - 4² सॉरी बड़ा नंबर पहले 4² - 3² तो 16 - 9 तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 7 आएगा है ना, हमने ऐसा किया था। लेकिन अब इतने बड़े बड़े नंबर है तो इसका स्क्वायर निकालने तो बैठेंगे नहीं है ना, 29 का स्क्वायर हमें अगर पता ना हो तो हम क्या करते हैं ये 29 और 28 को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं तो जो कितना आ रहा है 57, कितना आ रहा है 57, तो इसका आंसर क्या होगा 57। इधर भी सेम हम प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस, तो इसका आंसर क्या आएगा 70। डायरेक्ट आंसर आ गया, क्या आ गया डायरेक्ट आंसर आ गया 67 और 66 का स्क्वायर कितना है सॉरी इन दोनों के डिफ गया फाइंड आउट सॉरी, तो 66 कितना आएगा 13 और 30 कितना 133। ओके एकदम इजी है ना, सब इजी था अभी तक जितना भी पढ़े, बस खाली प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, यहाँ पे हम दिख रहा है ये जो मैचिंग है विदाउट एडिंग मैच द सम इन द कॉलम। ओके कॉलम ए यहाँ पे हमें सम दिया, देखो यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं वो ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है तो हम इसको प्लस करने में इतना इतना प्लस कौन करेगा है ना, कोई लोग कोई कर भी देगा। ओके जिनको प्रॉपर्टी नहीं पता है वो कर भी देंगे, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच नंबर का हमने देखा था कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का टोटल क्या था एन स्क्वायर, क्या था एन स्क्वायर, तो इसी एन स्क्वायर की मदद से हम सारा सम कर पाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 कितने नंबर है 5 नंबर है, मतलब 5 का स्क्वायर जिसका आंसर आएगा 25, तो 25 दिख रहा है आपको ये रहा इसका आंसर है, पहले का आंसर 25 आपको समझ आया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये सारे एकदम प्रॉपर ऑर्डर में 1 2 1 1 के बाद 3 आया 3 के बाद 5 आया ऑड नंबर्स है, सारे कैसे ऑड नंबर्स का टोटल कितना होता है सम क्या होता है n स्क्वायर। ओके आप आसानी से कुछ भी फाइंड कर सकते हो कितने नंबर यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49 दिख रहा है लिस्ट में 49। अच्छा यहां पे 15 एक मिस है मिसिंग है 9 मिसिंग है क्या, यहां पे प्लस 9 भी है तो सॉरी
यहाँ पे प्लस 9 भी है, तो 1 2 3 4 5 ये 9 को भी गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं, 8 है, ये नहीं 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 आपको दिख रहा है, ये रहा, तो ये हमारा आंसर है। ओके अब 1 2 3 4 कितने नंबर है, 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो गया, तो 16 दिख रहा है ये आपको, तो वो हमारा आंसर है। ओके 1 2 3 4 5 6 अब एक बार ऑर्डर देख के फिर करना, एक के बाद तीन आया, 5 7 9 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये हमारा आंसर है। और फिर तो क्या है, ये हमारा होगा फिर 1 2 3 4 5 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 हमारा आंसर। ओके चलो अब लास्ट में क्या है, एक नंबर हमें दिया उसका पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें फाइंड करना है, वो भी एकदम इजी है, फटाफट कर लेते हैं। राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, हमें पहला नंबर देके रखा है, क्या किया है, पहला नंबर देके रखा है, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये था हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्म है ना, इस फॉर्म में वो होता है, इस फॉर्म में वो होगा, तो पहला नंबर है तो उसका क्या होगा 2m, क्या होगा 2m, तो 2m is equal to 8 है, क्या है मेरा 2m is equal to 8 है, एक ही सेकंड ठीक है। अब इधर क्या है, ये है ये हमारा पहला नंबर है जो कि होता है 2m, 2m is equal to 8, तो m is equal to 8 upon 2 जो कि होगा 4, तो m is equal to 4, तो m square minus 1, m square minus 1, तो 4 का square minus 1, तो 16 minus 1 is equal to कितना होगा 15, तो यहाँ पे basically हमें Pythagorean triplet बनाने, यहाँ पे हमें 8 मिल गया, दूसरा नंबर क्या 15, अब तीसरा नंबर कैसे find करेंगे, m square plus 1, ओके तो m हमारा क्या है ये रहा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 15 प्लस 1 जो कि होगा सॉरी यार 16 प्लस 1 17, तो ये हमारा 17। ओके 2m is equal to कितना 16, ये हमारा पहला नंबर है जो कि पहला नंबर हमेशा क्या होगा 2m, क्या होगा 2m, तो 2m is equal to 16, m is equal to 16 upon 2 जो कि आंसर आएगा मेरा 8। अब हम ढूंढेंगे m स्क्वायर माइनस 1 जो कि है 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 63, क्या 63, और m स्क्वायर प्लस 1 63 का स्क्वायर प्लस 1, अरे यार 63 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 जो कि होगा 65, तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं, है ना, ऐसा मैं नहीं बोला कि बनाते हैं, वो तो हमें उसके डिजिट्स अगले फाइंड करते हैं, वो ऑब्वियसली बनाएंगे 18, अब क्या है 18, तो 2m is equal to 18, तो m is equal to 18 divided by 2, ये गया m is equal to 9, तो m की वैल्यू क्या है 9 है, तो एक साइड में को m square minus 1 ढूंढना है, दूसरे साइड में को m square plus 1, तो 9 square minus 1, 9 square plus 1, यहाँ पे कितना 81 minus 1, यहाँ पे 81 plus 1, इधर कितना होगा 80, यहाँ पे कितना होगा 80 और 2, ओके, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, रुक जा रुक जा, सॉरी सर ये एक बाकी ये वाला रह गया, 2m is equal to कितना 20, 2, तो m is equal to 22 divided by 2, ये गया, m is equal to 11, अब m square minus 1 और m square plus 1, तो m क्या है मेरा 11 square minus 1 मतलब 121 minus 1, यहाँ पे 11 square plus 1 121 plus 1, तो यहाँ पे minus करूँगा 120, यहाँ पे plus करूँगा 120, तो दूसरे दो डिजिट हमें मिल गए, इसके बाद मतलब 22 फिर 120 फिर 120, तो यहाँ पे क्या है 80 फिर 80 और 82, ओके
हमारा ये एक्सरसाइज 6 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत इजी एक्सरसाइज था। ओके, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो में। बाय बाय।